तो रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में एक रोल मॉडल जो आम आदमी की भाषा है, हमारे समाज में रोल मॉडल की क्या व्याख्या है, रोल मॉडल किसको कहा जाता है और रोल मॉडल का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, व्यक्ति को किस प्रकार से हम किस व्यक्ति को और कैसे रोल मॉडल के आदर्शता का के भावों से प्रेरणादायक आदर्शों के प्रतिनिधित्व का मानक मान सकते हैं, उसके संबंध में प्रेरणादायक भावों के अनुरूप मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। दोस्तों, रोल मॉडल का क्या मतलब है? आम भाषा में, दैनिक जीवन में और हमारे जीवन में, सामाजिक परिवेश में अनेकों जगह हमारे भावनाओं में रोल मॉडल का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो एक व्यक्ति को दोस्तों किसी भूमिका से जुड़े जो मूल्य होते हैं और दृष्टि रोज और उसके जो व्यवहार होता है का उदाहरण जो बन जाता है, उसके मूल्य होते हैं, उसके कार्य होते हैं, उसका दृष्टिकोण होता है, उसका व्यवहार होता है, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है, उनको परिपूर्ण करने के जिसमें भाव होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे एक पिता अपने संतान के लिए आदर्श होता है, प्रत्येक संतान के लिए अपने माता पिता एक आदर्श के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में होते हैं। तो रोल मॉडल ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो खुद को इस तरह के अलग करते हैं, मतलब ऐसे कार्य करते हैं जो कुछ एक दूसरे से हटके होता है, तो दूसरे उनकी और जो अन्य लोग होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं और अनुकरण करना, उसी से वह अनुकरण करते हैं और वह उसकी प्रशंसा करते हैं। तो रोल मॉडल का वास्तविक मतलब क्या है दोस्तों? जिस प्रकार मॉडल होता है जो प्रेरणादायक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, एक रोल मॉडल है वह होता है जो दूसरों को अपने अच्छे व्यवहार का अनुकरण करने के लिए, अच्छे भावों को की रचना करने के लिए, अच्छे भावों को प्रेरित करने के लिए कार्य करता है। माता पिता अच्छे इंसान बनकर अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं। हर एक माता पिता के इस प्रकार के भाव होते हैं कि मैं कोई अच्छा कार्य करूं, अच्छे से आदर्शों को बनाऊं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो और मैं अच्छा कार्य करूं और मेरे कार्य से सब उत्साहित हों, तो उसी का अनुकरण करते हर एक माता पिता से अपने उनके बच्चों को अपेक्षा होती है। तो हमारा रोल मॉडल कौन है दोस्तों? यदि हम विचार करें तो हमारे रोल मॉडल वे होते हैं जिनको जब हम कुछ कार्य करते हुए देखते हैं, जो समाज उपयोगी कार्य होता है, लोक कल्याणकारी कार्य होता है, ऐसे कार्यों को देखते हैं तब हमारा मन भी ठीक वैसा ही करने के लिए अंदर से लालायित होता है
और जैसे वे करते हैं, और हर एक इंसान का कोई ना कोई रोल मॉडल अवश्य होता है। तो दोस्तों, जैसे घर में एक नन्हा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वह अपने माता पिता, अपने दादा दादी या अपने परिवार वालों का रोल मॉडल होता है, वह उन्हीं का अनुकरण या उन्हीं को फॉलो करता है। यानी रोल मॉडल का कर्तव्य यही है दोस्तों, कि वास्तव में रोल मॉडल वह व्यक्ति होता है जिसे अन्य लोग उचित व्यवहार और निर्धारित करने के लिए मदद करने के लिए देखते हैं, अपेक्षा करते हैं उस व्यक्ति से। तो अलग अलग आधार हैं दोस्तों, एक बच्चे के स्वरूप में हम देखें, एक माँ, एक बड़े जो सामाजिक परिवेश में आता है उसको देखें, तो रोल मॉडल के अलग अलग तरीके हैं। तो रोल मॉडल या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, उनके भाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी। तो सकारात्मक होने के लिए भूमिका, जो मॉडल की भूमिका होती है, वह सहायक या उपयोगी व्यवहारों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। जो भी समाज उपयोगी कार्य होते हैं उनके लिए उनका उपयोग होता है। और यदि नकारात्मक रोल मॉडल क्या करता है, हानिकारक या विघटनकारी व्यवहार के उदाहरण होते हैं, उनको वह पेश करते हैं। मूड, अब रोल मॉडल के किस किस रूप में हम मॉडल कर रोल मॉडल कर सकते हैं, जैसे मूर्ति है, प्रतिमान है, हम किसी का उदाहरण लेते हैं और अच्छा उदाहरण लेते हैं, चमकदार उदाहरण लेते हैं, आइकन जिसको कहते हैं, और नायक भी कहते हैं, नायिका कहते हैं, और आदर्श संत कह सकते हैं। आदर्श संत भी रोल मॉडल का के भाव व्यक्त करता है। और संरक्षक, जो संरक्षक संत होता है, जो सबकी सुरक्षा करने का कार्य करता है, सबको सही मार्ग पर प्रेरित करता है, उसी को रोल मॉडल कहते हैं। यानी अच्छे कार्यों को की को सही मार्ग पर अग्रसित करना, मानव चेतना को, मानव ज्ञान को, मानव के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सही दिशा में लाने वाला व्यक्ति ही उसका रोल मॉडल कहलाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार श्रेष्ठ अभिनेता जो होता है वो भी रोल मॉडल का प्रतीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का रोल मॉडल जो आसपास के लोगों को देखता है, उनके सुख दुख में काम आता है, उनका नेतृत्व करता है, प्रेरणा देता है, सही दिशा की ओर अग्रसर करने के भाव संपन्न करता है, और कार्यों को करने के लिए सभी को प्रेरित करने की या प्रेरणा प्रदान करता है, प्रत्येक मानव को कार्यों के प्रति रुचि प्रदान करता है। तो रोल मॉडल वह व्यक्ति, मेरे विचार से दोस्तों, रोल मॉडल वह व्यक्ति भी होता है जिसका व्यवहार दूसरों द्वारा सीखा जा सकता है, अनुकरण कर सकते हैं, सही कार्य का अनुकरण कर सकते हैं, और रचनात्मक कार्यों के प्रति जो हमेशा संलग्न रहते हैं, रचनात्मक कार्य जो समाज उपयोगी होते हैं, जिसे सम्मान किया जा सकता है, ऐसा कार्य जो सम्मानित हो, जो समाज में जिसका सम्मान हो और समाज के उपयोग का कार्य हो। तो रोल मॉडल किसी भी व्यक्ति को कैसे बन सकता है दोस्तों, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जिस व्यक्ति में अपनी गलतियां, वह सभी अच्छाइयां करता है लेकिन एक भी गलती करता है, उस गलती को भी वह स्वीकार करता है और माफ़ी मांगने की उसमें उसके भाव में समर्थन, दूसरों के साथ
सम्मान सूचक व्यवहार करना और खुद पर दबाव न डालना और परिपूर्ण बनने के काम करना। इस प्रकार से दोस्तों एक जो रोल मॉडल बनने के भाव उस व्यक्ति में समाहित होते हैं। तो रोल मॉडल कर्तव्य का कर्तव्य क्या है दोस्तों, एक वांछित लक्ष्य के जो उस अपेक्षा जो समाज में जा जो उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी जो लक्ष्यों की प्राप्ति हो वांछित हो, अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है, सफलता प्राप्त करने में आगे बढ़ने के भाव हों, किसी भी कार्य में समय देना हो और हमेशा प्रयासरत रहना है और आगे बढ़ने व दूसरों को प्रेरित करने के विचारों और आदर्शों व आदतों और प्रशंसनीय गुणों से विभूषित व विचारों में सुदृढ़ता, अच्छे गुणों से जो आभूषित हो और जिसमें विचारों जिसके विचारों में सुदृढ़ता हो, यही रोल मॉडल का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों रोल मॉडल का जो चुनाव होता है किसी ऐसे व्यक्ति को रोल मॉडल या आदर्श के भावों से संपन्न से संबंधित आदमी जो व्यक्ति होता है उसको चुनना चाहिए जो समाज में अपने होने के बारे में अच्छी यानी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में वह सही दिशा का ज्ञान कराए और अच्छी राह दिखाए और प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में अच्छे भावों को महसूस करने के भाव व्यक्त करें। तो रोल मॉडल जब भी दोस्तों हमको इसका चुनाव करना होता है रोल मॉडल किसको बनाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति जिसके व्यवहार की किसी विशेष भूमिका में अन्य लोग जिसका अनुकरण करते हों, जिसकी नकल करते हों, जिसके अनुसार वह चलते हों, जिसके पद चिन्हों पर जो चल रहे हों और प्रेरणा का स्रोत उस व्यक्ति में इस प्रकार के भाव हों कि उससे कोई न कोई प्रेरणा दूसरे व्यक्ति को मिले और इस प्रकार के भाव जो अपने अंतःकरण में हासिल कर सकता है और ऐसे भावों को प्राप्त करने की रोज़ नए नए भावों को करने की जिसमें लगन होती है कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाना सभी लोगों का कार्य होना चाहिए, तभी समाज और स्वयं एक व्यक्ति का हित हो सकता है। तो कैसे हमको रोल मॉडल के प्रति दोस्तों अपने भाव व्यक्त करने चाहिए, जो हमें अच्छा कैसे बनने के भाव पर यानी अच्छे से अच्छा बनाने का जो प्रयास करें एक दूसरे को और उसके लिए प्रेरित करें, किसी भी कार्य को करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें। तो रोल मॉडल से दोस्तों जैसे रोल मॉडल राजनेता और हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति में ऐसे भाव कोई भी हो सकता है, वो राजनेता हो सकता है, वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, रोल मॉडल महत्वपूर्ण एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है और कभी कभी किसी बच्चे या युवा व्यक्ति को भी माता पिता से भी अधिक प्रभावित कर सकता है, अपने माता पिता को भी ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वह भी रोल मॉडल का मानक बन सकता है। तो दोस्तों यानी वह एक महान रोल मॉडल जो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए प्रेरणा स्रोत होता हो और या होती हो, चाहे वह पुरुष हो या नारी, उससे हमको अगर प्रेरणा मिल रही है, हमारा जीवन अच्छा हो रहा है, आदर्शता उसमें है, एक विशेष व्यक्ति को रोल मॉडल कहा जाता है, तो वह किसी भी कार्य की
उसमें दक्षता हो, निपुणता हो और किसी भी कार्य के प्रति उसको उसके प्रतिमान। तो रोल मॉडल के लिए दोस्तों बच्चों के चुनाव की प्रक्रिया निस्वार्थ भावों से, सबसे ज़्यादा बच्चों में रोल मॉडल के भाव से ज़्यादा होते हैं कि वह निस्वार्थ भाव से किसी प्रकार के भी अपना पराये के भाव उसमें नहीं होते हैं। तो निस्वार्थ ढंग से मनोभावों से उनके उनके भाव होते हैं। तो जो उन्हें प्यार स्नेह करता हो, प्यार करता हो, दुलार करता हो, अच्छे उपदेश देता हो, सही रास्ता दिखाता हो, तो उन्हें वह अपना रोल मॉडल मानते हैं। अगर हम एक बच्चों के क्रम में अगर हम देखें कि बच्चे किसको ज़्यादा कैसे किसी व्यक्ति को रोल मॉडल मानते हैं, जिनको कम सूझबूझ होती है लेकिन वह ज़्यादा किसको अच्छा मानते हैं, तो वह उसी को अच्छा मानेंगे जो उनसे प्यार करे, भाव देगा, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करेगा। तो माँ का रोल भी दोस्तों एक प्रकार का रोल मॉडल कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के लिए माता जिस प्रकार से अपना मार्गदर्शन देती है, अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, अपने बच्चों को समाज में कार्यों को करने के लिए, अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा से प्रेरित करती है, और एक प्रकार की रोशनी प्रदान करने की, जिस प्रकार सूर्य हमको रोशनी देते हैं उसी प्रकार माँ की कृपा हमको रोशनी के समान होती है और माँ हमारी रक्षा होती है। हमारी हर अपेक्षाएं जो होती हैं हमारी और हमारी भावनाओं में जो कुछ छुपा रहता है, हमारे आदर, हमारे अंतःकरण में जो आदर के भाव होते हैं, वह एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल उसकी माँ जो बच्चे को जन्म देती है, वह जो है माँ जो है उस बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करती है। तो दोस्तों हमारे इरादे को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है, और यह पता लगाने की सबसे अच्छा तरीका रोल मॉडलों की तलाश करना है। तो हमको रोल मॉडलों की तलाश कैसे करनी चाहिए, जो भी मैंने अभी बताया दोस्तों उसके अनुसार हमको उनकी तलाश करनी होगी। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो जिन अमीर लोगों की आप प्रशंसा, हम लोग प्रशंसा करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, पीछा उनका हम पीछा करते रहते हैं कि वर्तमान में क्या है और क्या कर रहे हैं, और इस बारे में जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं और वे आज जहाँ हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो ख़ास तौर पर दोस्तों इस बात का ध्यान प्रत्येक अंतःकरण में केंद्रित रहना चाहिए कि आज जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने आपकी उम्र की स्थिति में क्या किया था, ये भाव हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम किसी उद्यमी के ऑफिस या प्रवासी के साथ भ्रमण कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं और यही चाहते हैं कि, लेकिन इससे हमको वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ की यात्रा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो अभिनेता बनने का मतलब पर्दे पर देखने दिखने और पत्रिकाओं के आकर्षण फोटो छपने के बारे में नहीं है। तो यह तो एक दृश्य को 60 बार करने का धैर्य और सृजनात्मक होने के बारे में है, जब तक कि उसका जो उस अभिनेता का जो जो मुख्य शीर्ष पर बैठा हुआ जो डायरेक्टर जैसा है वह न मिल जाए, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। किसने इसको बनाया, कैसे बनाया, तो जो वह चाहता है। तो एक सन्यासी बनने का मतलब उस व्यक्ति का प्रशंसक होना नहीं है, जो ध्यान में बैठता है, और यह तो उसी समय जानने के बारे में है। दोस्तों जब सन्यासी जागता है उसकी जीवनशैली जीने की बारे में
होती है और उसके गुणों का अनुकरण करने के बारे में। तो एक सप्ताह तक जब हम साई की तरह किसी काम को करते व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं, उसमें नियंत्रित हो जाते हैं, उसमें संलग्नित हो जाते हैं, तब वही कहीं जाकर हमको उसके सामने की चुनौतियों का थोड़ा एहसास हासिल होता है। इतना प्रयास हमको करना पड़ता है, यानी रोल मॉडल बनने के लिए हमको किस प्रकार के प्रयासों से रत रहना चाहिए, कितने प्रयास हमको करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, और वह भी समझ में आ जाएगा कि क्या आप उन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। जहाँ वह रोल मॉडल की भूमिका निभाता है वहाँ तक बनने के लिए क्या आपके पास इस प्रकार के भाव या ऐसी कल्पनाओं से आप ऐसे कार्यों से आप गुजर सकते हैं। तो काम करते हुए लोगों का अवलोकन करते समय दोस्तों यह याद रखना चाहिए कि एक ही इरादे को हासिल करने के कई मार्ग हो सकते हैं, रास्ते हजारों हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो लोग पृथ्वी की मदद करने का इरादा रख सकते हैं। एक ऐसा कानून के जरिए वह जरिया कानून बना सकते हैं। और गैर लाभकारी संगठन जो अर्थ जस्टिस होते हैं के साथ काम कर सकता है। दूसरा, इसे जो फैशन होता है फैशन के जरिए उस कार्य को कर सकता है, जैसा यानी उन्होंने लोकप्रिय बनाने की मदद करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके और चयन का दोहन कैसे करें। लेकिन यह उदाहरण दिखता है कि अगर हमारे इरादे के साथ नेतृत्व हम करेंगे तो हम इस बारे में विकल्प खोल देते हैं और आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे उसके मानक हमको पता हो जाते हैं। जैसा पूरे संसार की नाव यात्रा के उदाहरण में देखा गया है दोस्तों कि दो समान कार्यों के पीछे बहुत अलग अलग इरादे हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दो लोग एक ही परोपकारी संस्था को उदार दान देते हैं। एक ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह परोपकार के बारे में गहराई से परवाह करती है, तो जो एक व्यापक इरादा है। दूसरा व्यक्ति वह इसलिए करता है क्योंकि वह पूरे अपने कार्य को एक दूसरे से जोड़ना चाहता है, यानी जिस प्रकार नेटवर्क जुड़ता है उसका। तो जो एक संकीर्ण इरादा है, दोनों ही दानदाताओं जो जिन्होंने दान दे करके दान देता उन्हें उनके दान के लिए प्रशंसा मिलती है। तो जो सचमुच फर्क दिखाई देता है उसी खुशी और गर्व और अर्थ का एहसास होता है। तो जो हमने जो एक दूसरे को जोड़ करके नेटवर्क करना चाहा वह इतनी ही परवाह करता है कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो उसके करियर या सामाजिक स्टेट्स के लिए उपयोगी, स्टेटस के लिए जो है उपयोगी हो। तो अलग अलग इरादों से दोस्तों परोपकारी संस्थाएं हैं, परोपकारी मानव हैं, परोपकारी लोग हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन दोनों के ही दान संसार का भला करते हैं, लेकिन आंतरिक पुरस्कार पूरी तरह से अलग है। तो यही कहना है, कहना मुनासिब होगा कि दोस्तों कोई इरादा पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। हो सकता है हमारे जो परोपकारी कार्यों का 80% इरादा लोगों की मदद करने का हो, जबकि 8% खुद के बारे में अच्छा महसूस करने का हो और 8% गलत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इस बात को याद रखना चाहिए, अपने स्मरण में रखना चाहिए कि जितने कम शुद्ध होते हैं
और उतने हमें खुश करने की उतनी ही कम संभावना होती है। भले ही उनकी बदौलत हम सफल हो जाए, तो जब लोग अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ज़रा भी खुश नहीं होते हैं, तो इसके लिए वही कारण होता है जो उन्होंने यह काम गलत भावनाओं से किया है। तो इरादे के साथ जीने का मतलब है कि बाहरी लक्ष्यों के पीछे कलम हटाना, सफलता की बाहरी परिभाषाओं को छोड़ना और अपने भीतर देखना, सांस के साथ ध्यान का अभ्यास शुरू करना, इस इरादे से समर्थन का एक स्वाभाविक तरीका है। जब हम अपने अंदर के विचारों की सफाई कर देते हैं और हमारे जो वास्तविक मनचाहे स्वरूप अनुरूप नहीं होते हैं, तो हम खुद ही गति प्रदान करते हैं। तो अपने खुद के समय में जीने की याद दिलाने के लिए सांसों का इस्तेमाल करके प्राणायाम या सही सांसें लेने से, योग के अभ्यास से सही सांसें, जिस प्रकार योग से सही सांसों का संचरण होता है, तो यह समझने की मदद हमें रोल मॉडल से मिलती है कि हमारा जो तरीका है वह किस प्रकार से और लोगों से अनूठा है, अद्भुत है। और यही भाव जो हमारे अंतर्गण में होंगे, तभी हम सही सकते हैं। और तो रोल मॉडल का एक व्यक्ति किसी भूमिका से जुड़े मूल्यों और दृष्टिकोण और व्यवहार का उदाहरण कैसे बनता है, यह बातें हमको एक अच्छे रोल मॉडल से मिलते हैं, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, अपने कार्यों को परिपूर्ण करने की प्रेरणा लेते हैं, अपने कार्यों में आगे बढ़ते हैं और समाज और स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का उत्थान करते हैं। एक सही रोल मॉडल का यही स्वरूप है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में रोल मॉडल की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, हम रोल मॉडल अपने परिवार से लेके, समाज से लेके, देश से लेके, प्रत्येक व्यक्ति कोई न किसी न किसी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। यदि हमको उससे सही प्रेरणा मिल रही हो, हमारा जीवन लगातार उन्नति कर रहा हो, और एक रोल मॉडल का सही मानक यही है कि जीवन का चतुर्मुखी विकास, आंतरिक स्वरूप और बदलने की प्रक्रिया और स्वतंत्र विचारों का समावेश, यही रोल मॉडल, और जिससे सभी लोगों में आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता के भाव संचरित होते हैं। और रोल मॉडल की व्याख्या दोस्तों, एक निस्वार्थ और निष्काम व्यक्ति के माध्यम से, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से उभर के आया हो, वही हमारे रोल मॉडल का कार्य कर सकता है, वही समाज में अपने रोल मॉडल के भावों को व्यक्त कर सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, इस कल किसी दूसरे विचारों के साथ प्रस्तुत होऊंगा आज के अंक में।